दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के सबसे सफल शोज में से एक बालिका वधु अपने दूसरे सीजन के साथ पर्दे पर आगाज कर चुका है, जहां शो इस बार एक नए स्टार कास्ट और कहानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है, जिसमें अभी से ही छोटी सी आनंदी यानी कि श्रेया पटेल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इनके गोलू मोलू से गाल, क्यूट से डिंपल और मीठी सी बोली दर्शकों को इनका मुरीद कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्तमान में आनंदी की भूमिका से दर्शकों का दिल जीत रही श्रेया पटेल इस किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इनसे पहले टीवी इंडस्ट्री के चार बाल एक्ट्रेस को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, मगर अफसोस किसी न किसी वजह से मेकर्स को उन चारों को रिजेक्ट करना पड़ा, जिसके चलते ये किरदार श्रेया पटेल की झोली में गिरा है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार बाल अदाकाराओं से रूबरू करवाएंगे जो आनंदी की भूमिका के लिए हो चुकी हैं रिजेक्ट। तो चलिए एक एक कर रूबरू होते हैं उन्हीं बाल अदाकाराओं से। नंबर वन, अदिति जलतरे। इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है बाल अदाकारा अदिति जलतरे का, जिन्हें आपने पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में देखा होगा, जहां शो में इन्होंने अपने किरदार से हर किसी को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि आज ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जिनके पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं और उन्ही में से एक इस शो में आनंदी के रोल के लिए भी था। मगर क्योंकि अदिति अपने सभी प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए इन्होंने मेकर्स को डेट्स के बाद डेट देना शुरू कर दिया और इसी वजह से मेकर्स इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने इन्हें शो से ही रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया। नंबर टू, वैष्णवी प्रजापति। टीवी इंडस्ट्री में अपने डांसिंग स्किल्स और एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस करने वाली वैष्णवी प्रजापति भी उन्हीं बाल कलाकारों में से एक है, जो कि बालिका वधु शो में आनंदी के रोल के लिए अप्रोच की गई थी, मगर इन्हें भी मेकर्स ने किसी रीजन की वजह से शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बात करें इसके पीछे की वजह की, तो दरअसल आपको बता दे, यूं तो वैष्णवी प्रजापति को इस शो के लिए ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया गया था, मगर जब रोल के लिए इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो ये इसमें फिट नहीं बैठ पाए और फेल हो गए, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें शो से रिजेक्ट करना ही बेहतर समझा। नंबर थ्री, आकृति शर्मा। इस लिस्ट में एक नाम आकृति शर्मा का भी शामिल है, जो कि कुल्फी कुमार बाजे वाला शो में अपनी क्यूटनेस से हर किसी को मुरीद कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें कि आखिर शो मेकर्स ने आकृति शर्मा को इस शो से क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो आपको बता दें, दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि आकृति शर्मा इस शो में अपने किरदार से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते न ही सही से एक्सप्रेशन दे पा रही थी और न ही डायलॉग ढंग से बोल पा रही थी, जिसके चलते इन्हें भी इस शो से रिजेक्ट करने का फैसला किया गया। नंबर फोर, औरा भटनागर। जी हाँ, इस लिस्ट में एक नाम औरा भटनागर का भी शामिल है, जो कि कुछ समय पहले ही मोदिदा के किरदार से दर्शकों के फेवरेट बन गए, जहां दर्शक इन्हें आज भी टीवी पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दर्शकों का यही प्यार देख मेकर्स ने इन्हें इस शो के लिए अप्रोच करना सही समझा, मगर अफसोस औरा भटनागर को भी मेकर्स को रिजेक्ट करना पड़ा। और बात करें कि आखिर क्यों मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो आपको बता दे, इसके पीछे की वजह औरा भटनागर की पढ़ाई है, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स ने इनके टाइमिंग को लेकर कुछ कंडीशंस रख दी, जो मेकर्स को मंजूर नहीं हुई और इसलिए मेकर्स ने इन्हें शो से रिजेक्ट करना ही सही समझा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आनंदी के किरदार में इन सभी में से सबसे बेस्ट कौन होती? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।